Assalamualaikum viewers, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे होम कुकिंग चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए भिंडी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। सिर्फ 15 से 20 मिनट में बनके बहुत ही लाजवाब टेस्ट के साथ तैयार होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा मेरी वीडियो। तो सबसे पहले मैंने ऑयल को अच्छे से हीट कर लिया था, उसके बाद एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने अच्छे से इसमें सौते कर लिया था हल्का सा कलर चेंज होने पे। इसके बाद मैंने इसमें लाल साबुत मिर्चों को ऐड किया था, ये भी अच्छे से कुक हो गई थी। इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, दो मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने लिए हैं। इसको अच्छे से कुक कर लूँगी, ऊपर की स्किन हमारी थोड़ी सी सौते हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। तो हम इसमें भिंडी को ऐड कर देंगे, इसको बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा फ्राई सा हम इसको कर लेंगे। जब भी हमारा थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई हो जाएगा, उसके बाद ये मैं हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ, ये मैंने बारीक चॉप कर ली थी, इसको भी मैं अच्छे से इसमें डाल दूंगी। और इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ मैं 1/2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1/2 टेबल स्पून में हल्दी ऐड करूँगी। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। उसके बाद हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारा मसाला हमारा भिंडियों पर लग जाएगा। बहुत अच्छे से सब मिक्स कर लेना है, हल्का सा फ्राई भी हो जाएंगे सारे मसाले। तो इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें पानी का छींटा देंगे, इससे होगा क्या, जो हमारी भिंडी है बहुत ही सॉफ्ट सी बनेगी और जो है बहुत खिली खिली भी बनेगी, बहुत ही ड्राई सी सूखी रूखी नहीं होंगी। तो हम इसको 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पका लेंगे। तो 10 मिनट के बाद देखिए आप, ये बहुत अच्छे से कुक हो चुकी हैं, प्रॉपर गल चुकी हैं, ऑयल भी जो है भिंडियों ने छोड़ दिया है। इसके बाद फ्रेश कोरिएंडर हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये हमारी लाजवाब सी भिंडी बनकर तैयार है। चाहे तो आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार सी ये बनेंगी। आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।